हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं लेकर के आई हूँ दूसरा ट्राउज़र हॉल। अभी मेरे रीसेंट हॉल का आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया तो मुझे दूसरा हॉल लेकर आना ही पड़ा। बट इस बार मैं लेके आई हूँ H&M ट्राउज़र हॉल। अगर आपको H&M से ट्राउज़र बाय करना है और आपको ये डाउट कि क्वालिटी अच्छी नहीं आई या लेंथ कैसी है या क्या 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 जो भी कैसा कैसा क्या है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। गाइज, इस वीडियो में जो भी मैं ट्राउज़र लेने वाली हूँ वो थोड़े से कॉस्टली है। अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में चाहिए ट्राउज़र तो आप मेरा मीशो हॉल देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छे अच्छे ट्राउज़र्स आपको बताए हैं। और अगर आपका थोड़ा सा बजट हाई है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, सो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना हॉल। ये ब्लैक ट्राउज़र्स है जिसको मैं सबसे ज़्यादा पहनती हूँ। तो इसमें ना यहाँ पे बेल्ट लगाने के लिए आपको वो लूप्स वगैरह बटन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बस आपको यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल है, आप इसे विंटर समर्स कोई भी सीजन में पहन सकते हैं। इसके ऊपर आप टी शर्ट भी कैरी कर सकते हैं, प्लस इसे आप फॉर्मल भी बना सकते हैं। आप इसे शर्ट टी शर्ट दोनों में कैरी कर सकते हैं। दोनों में बहुत अच्छा जाएगा, कैजुअल में भी जा सकता है ये और फॉर्मल में भी जा सकते हैं। ये ट्राउज़र तो इसलिए मेरा मोस्ट फेवरेट ट्राउज़र है, इसको मैं सबसे ज़्यादा पहनती हूँ। और ये आप यहाँ पर देख ही सकते हैं ये कैसे लग रहा है। जो इसका प्राइस है वो मुझे पड़ा था 1500 रुपीज़ का। और आप ऑफ़र में देख सकते हैं, आपको वो 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी इसमें डिस्काउंट भी चलते रहते हैं। तो इस ट्राउज़र में आपको 3 कलर्स मिलेंगे, एक बेज कलर, एक ब्लैक कलर और एक ग्रीन टाइप के कलर का था, वो शायद से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी। तो मेरा नेक्स्ट ट्राउज़र है, ये वो पिंक वाला ट्राउज़र है। ये एंकल लेंथ है और जो इसका कट है वो मॉम कट है, मॉम फिट में है ये ट्राउज़र। ये स्ट्रेट कट नहीं है। तो अगर आपकी आवर क्लास बॉडी है तो ये आपको इस कट के ट्राउज़र आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि मेरी जो बॉडी टाइप है उसमें मैं मॉम फिट ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी स्ट्रक्चर में मॉम फिट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि मेरी वेस्ट है वो थोड़ी सी टिनी है, टिनी वेस्ट, ब्रॉड शोल्डर, फिर नीचे से जाके ब्रॉड। तो इस अगर आपका ये वाला स्ट्रक्चर है तो आपको भी मॉम फिट ट्राई करना चाहिए। तो इसमें आपको बहुत सारे कलर्स और ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने चूज़ किया था पिंक, क्योंकि अभी अभी ये पिंक काफ़ी ट्रेंडी था। और ब्लैक और बेज तो मेरे पास है ही, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन हैं। तो आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं, कलर का सिलेक्शन ये इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सा कलर लेना है। तो ये लगता है पहनने पर कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं। ये एंकल लेंथ है और इसका कलर पिंक है। तो मुझे ना ये समझ नहीं आता मैं उसको कैसे कैसे स्टाइल करूँ। तो सबसे ज़्यादा कम मेरे कलेक्शन में जो मैं ट्राउज़र पहनती हूँ वो यही वाला है, क्योंकि मुझे समझ ही में नहीं आता मुझे कौन सा ऐसा ओकेजन है जिसमें इसे कैरी करना चाहिए। क्योंकि आई एम मोर इनटू पेस्टल कलर्स और ये पहला ही ऐसा कपड़ा है जो मतलब इतना चटक और डार्क कलर मेरे पास है। तो इसमें भी आपको यहाँ पर चेन और ये बटन्स और ये लूप्स भी मिल जाएंगे। आप इसमें बेल्ट लगा सकते हो और इसके पीछे आपको पॉकेट नहीं मिलेगा। ये ऐसे डिज़ाइन है, फेक पॉकेट्स का डिज़ाइन है। और इसके पीछे यहाँ पे आपको यहाँ पे रबर मिलेगी। और जो मेरा साइज़ है वो है 36 EUR 36। और जो मेरी वेस्ट साइज़ है वो 28 है। तो मेरा जो H&M का साइज़ है वो 36 है। मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये साइज़ के बारे में, आप लोगों को साइज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और नेक्स्ट जो मेरा ट्राउज़र है वो ये ग्रे वाला ट्राउज़र। और अगेन इस ट्राउज़र में भी आपको यहाँ पे लूप्स मिलेंगी, बटन्स मिलेंगी और पीछे यहाँ पे पॉकेट्स नहीं मिलेंगी। पिंक वाले जो मैंने आपको ट्राउज़र दिखाया उसमें वहाँ पर आपको ऐसी फेक ये लाइनिंग है कि यहाँ पर पॉकेट्स है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा, ना ही ये मिड वेस्ट है ना ये हाई वेस्ट है, पता नहीं कैसे का है ये। क्योंकि मैं क्रॉप टॉप के साथ पहनती हूँ ना, मेरे पूरे ट्राउज़र में मेरा पेट नहीं दिखता है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा ना ये स्किन शो होती है यहाँ से। तो इसे थोड़ा सा और हाई वेस्ट रहना था, क्योंकि मैं हाई वेस्ट ट्राउज़र पहनती हूँ। तो बस बाकी सारा कुछ सही है। और ये सारे ट्राउज़र्स के साथ में बहुत सारे पिंटरेस्टी आउटफिट और बहुत सारे आइडियाज़ लेके आऊँगी इसे कैजुअल फॉर्मल की आप कैसे कैसे लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारा कंटेंट आने वाला, बैक टू बैक अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। अब मैंने सोच लिया कि मुझे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आउटफिट पे वीडियो बनाना ही बनाना है कैसे भी करके। तो प्लीज़ गाइज स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली मेरे आगे की वीडियो, अब कंटेंट बहुत अच्छा होने वाला है आई होप। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दिस ट्राउज़र, और ये अभी एकदम न्यू अराइवल है, फ्रेशली भी H&M में आया, मैंने इसे ले लिया। और इसमें आपको यहाँ पे बेल्ट लगाने के लिए वो लूप्स भी नहीं दिए, ना ही इसमें कोई आगे पीछे कोई बटन्स नहीं है, बट गाइज इट फील सो लग्जूरियस। मेरे जितने भी ट्राउज़र है ना, इतना मतलब इसे पहन के ऐसे फील हो रहा था ना कि मैंने H&M नहीं, मैंने कोई दूसरा ही ब्रांड पहना हुआ है, लाइक मैंने कोई ज़ारा या मैंगो या उससे भी कोई, लाइक ये बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका प्राइस भी बहुत इन लोगों से ज़्यादा है प्राइस। मैं सारे के प्राइस आपको मैंशन कर दूँगी एक एक अभी ना थोड़े, क्या है अगर मैंने गलती से आपको गलत बता दिया तो, इसलिए मैं अभी कोई प्राइस का नाम नहीं ले रही, मैं भूल जाती हूँ प्राइसेस, तो इसलिए मैं आपको मेंशन कर दूँगी। बाकी ये इन लोगों से सारे ट्राउज़र से ज़्यादा कॉस्टली है। इसका लुक देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है, वाह। इस पर तो मैं ब्लेजर के साथ और क्रॉप टॉप के साथ, शर्ट के साथ और भी बहुत सारे लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो बहुत ही अच्छे आउटफिट मेरे इसके साथ बन सकते हैं, तो मैंने इसे ले लिया। और अब मूव करते हैं मेरी सेकंड परचेस पे, सेकंड नहीं मतलब लास्ट परचेस पे मूव करते हैं। ये है, ये वाइट कलर का ट्राउज़र, वाइट ही है ना ये कलर, वाइट है, ये क्रीम नहीं ऑफ वाइट क्रीम वाइट, पता नहीं कौन सा कलर है, वाइट ये है, ऑफ वाइट कलर। तो ये मैंने परचेस किया है ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र, और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी फ्रेशली H&M का कलेक्शन है, और इसमें आपको यहाँ पे लूप्स दिया है, यहाँ पे फेक पॉकेट्स दिए हुए हैं, फेक ही है ना, हाँ फेक है। और ये भी थोड़ा सा हाई एंड जैसा ऐसा फील हो रहा है। बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 ट्राउज़र्स बताए ना, उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है ये जो मैं 2 लास्ट में बता रही हूँ, ये अभी फ्रेशली न्यू अराइवल्स है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत ही लग्जूरियस फील हो रहा है मुझे पहन के। ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई दूसरा ब्रांड पहना हुआ है, H&M से भी ज़्यादा कोई अच्छा। और इसके साथ मैं कैरी करने वाली हूँ, क्या कैरी करने वाली हूँ वो आप सब देख लेना वीडियो में, मैं क्या कैरी करने वाली हूँ। अभी आप सिर्फ ट्राउज़र देखो कि कैसे लग रहा है, और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। और और आपको इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड बाय बाय। मैं कोई भी कट नहीं करने वाली, मैंने पता नहीं आज का वीडियो कैसे बना दिया ना, मस्ती में मैं कुछ बोलती हूँ, मैं कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं करती हूँ, मेरे मुंह में जो आता रहता है मैं वो बोलती रहती हूँ। तो इसलिए आप काम की बात पे, अच्छी बातों पर फोकस करें, और अगर कुछ में से बोलने में कुछ मिस्टेक होती है तो गाइज इग्नोर प्लीज़, हाँ ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।